सो गाइज, पेटीएम ऐप से कैशबैक पाने के लिए अगर आपने सोनी लिप में से ऑटोमेटिक पेमेंट के लिए एक्टिवेट किया, या फिर आपने पेटीएम ऐप का यूज़ करके सोनी लिप का जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको एक्टिवेट किया है तो, और इसको कैंसिल करने के लिए ट्राई कर रहे, कैंसिल कर नहीं पा रहे, तो आज के वीडियो में हम आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके कैंसिल करके बताने वाला है। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो इसको कैंसिल करने के लिए पेटीएम ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में ऊपर में सर्च करना है, ऑटो पे करके सर्च करेंगे तो भी डायरेक्ट आता है। अगर आपका इस तरह से डायरेक्ट इधर नहीं आता है तो इसका दूसरा तरीका भी है। सो पहले यहाँ पे ऑटो पे करके सर्च करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऑटो यूपीआई पेमेंट है, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आपका जो भी यहाँ पे ऑटो पे एक्टिवेट हुआ है जो यहाँ पे शो होता है, अगर इस तरह का शो नहीं होता है तो पेटीएम ऐप को जो होम पेज है इस पर क्लिक करने के बाद में अपना प्रोफाइल पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे क्लिक करने के बाद में यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग है, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा नीचे जाना है तो यहाँ पे यूपीआई ऑटोमेटिक पेमेंट यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो भी ऑटोमेटिक पेमेंट आपने यूपीआई से ऑटोमेटिक पेमेंट किया था वो आपका यहाँ पे शो होता है। सो देखिए यहाँ पे हमारा सोनी का एक्टिवेट किया था तो इस तरह से शो करा है। अगर आपका भी एक्टिवेट है तो यहाँ पे शो होता है, और उस पर क्लिक करने के बाद में आपका कितना का अमाउंट कितना है, किस बैंक से आपने ऑटो पे के लिए यहाँ पे मैंडेट किया था वो सब यहाँ पे शो होता है। अगर आप इसको पाउस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर में पाउस का ऑप्शन आता है, या फिर आप इसको परमानेंट कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। सो उस पर क्लिक करने के बाद में कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट इस तरह से शो होता है। सो आपको यहाँ पे पाउस नहीं करना है तो यहाँ पे नीचे कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट है उस पर जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट इस पर क्लिक करने के बाद में आपने जो पहले जो आपका यूपीआई पिन यहाँ पे फिल किया था उसी को फिर से यहाँ पे यूपीआई पिन फिल करना है। बट यहाँ पे कुछ पैसा कट नहीं होता है अभी, जस्ट यहाँ पे कैंसिल के लिए फिर से यूपीआई फिल करना होता है, यूपीआई पिन वो सब फिल करने के बाद में आपका इधर से ये जो ऑटोमेटिक पेमेंट है वो कैंसिल हो जाता है और आपके बैंक से इन फ्यूचर पैसा कट नहीं होता है। सो देखिए यहाँ पे हमारा बैंक से भी यहाँ पे मैसेज आ गया कि यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा पूरा कैंसिल हो गया करके, और यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट कैंसिल करके इस तरह से शो कर रहा है, आपका भी इस तरह से कैंसिल हो जाता है। और कुछ चेक करना रहेगा तो यहाँ पे मैनेज पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे पेज ओपन होता है। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल करके आ गया, इस तरह से यहाँ पे इसका प्रोसेस है। इस तरह से कैंसिल करेंगे तो आपका भी पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद में उस पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे पाउस और कैंसिल दोनों ऑप्शन यहाँ से हट गया, मतलब कि हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया है। ऑटोमेटिक पेमेंट ऊपर कैंसिल करके शो करा है तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, इस तरह से रेड में कैंसिल करके भी आ गया। सो ये करना ज़रूरी है। अगर आपने इसको कैंसिल नहीं करते, ऐसे छोड़ देते या फिर पाउस करके छोड़ देते तो वहाँ पे जो लिमिट डेट होता है वो डेट के बाद में आपका बैंक अकाउंट से पैसा कट होता है। सो आपका इस तरह से पूरा कैंसिल होता है तो अभी आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस रहने से भी आपका पैसा कट नहीं होता है, नहीं तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो बाद में इन फ्यूचर में आपका पैसा कट हो सकता है। ठीक है गाइज, यही था आज के लिए। वीडियो देखने से थोड़ा भी हेल्प मिलेगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्त के पास शेयर करिए, और ऐसे हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।